दोस्तों स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन व प्रतिष्ठित परीक्षा है। हर साल लाखों युवा महज कुछ सीटों के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अनुशासन भी हो और धैर्य भी हो। लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी अपीयर होने के लिए आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। तो क्या है वो क्राइटेरिया, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस बनने के लिए कहां तक पढ़ाई करनी होती है। तो यूपीएससी आईएएस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में डिग्री है। तो और जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष के परिणाम की परीक्षा कर रहे हैं वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मेंस की परीक्षा से पहले आपके फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाने चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा से पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि आप स्नातक होने के बाद ही आईएएस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यदि आपने अभी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने की और देश की सेवा करने की आपकी महत्वाकांक्षा निश्चित है तो हमारे आपको इस सलाह यही है कि अभी से आप अपनी आईएएस की तैयारी शुरू कर दें। जब तक आपकी आयु 21 वर्ष की हो या आप डिग्री प्राप्त ना कर लें तब तक प्रतीक्षा नहीं करें। यदि आप आईएएस की तैयारी अभी शुरू करते हैं तो आप आईएएस की परीक्षा को पास करने और अपने सिविल सेवा करियर को शुरू करने के इस मौके को बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं। यह रणनीति आपको अपने करियर में एक लंबा सफर तय करने में मदद करेगी और आप निश्चित रूप से कैबिनेट सचिव, जो कि देश में आईएएस का सबसे बड़ा पद है, वो बन सकते हैं। दरअसल यूपीएससी का सिलेबस इतना व्यापक है कि उसे पूरा कवर करने में काफी समय लगता है, इसलिए जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे इस बात के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे कि आप समय से सिलेबस खत्म कर सकें और इसके साथ ही रिवीजन भी कर सकें। तो कॉलेज जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहला ये कि एक आईएएस उम्मीदवार की तरह अध्ययन करने की आदत का निर्माण करें, ना कि कॉलेज के छात्र की तरह। नेक्स्ट इज अपनी कॉलेज लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग करें, जितना संभव हो उतनी प्रासंगिक किताबें पढ़ें और नोट्स बनाएं। नेक्स्ट इज दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की आदत पैदा करें और उसका विकास करें। देश और दुनिया में नवीनतम घटनाओं के बारे में स्वयं को अपडेटेड रखें। नेक्स्ट इज अपने पारस्परिक और संचार कौशल के स्किल पर काम जरूर करें और उसका विकास भी करें। नेक्स्ट इज एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करने का प्रयास करें, क्योंकि बाद में ये विकास आईएएस के साक्षात्कार में आपकी बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट इज अपने स्कूल की या फिर जो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको बिल्कुल फेंके ना। ध्यान रहे कि यूपीएससी परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए ये मूल पुस्तकें हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सी सेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।